हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज की वीडियो थोड़ी डिफरेंट है क्योंकि मैं आपसे कुछ अपने सेलेक्टेड कपड़े, सॉरी पीछे तो बहुत शोर आ रहा है तो उसको इग्नोर कीजिएगा, और आज कुछ फैंसी ड्रेसेस कलेक्शन में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी सेलेक्टेड, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह कपड़े मेरे पास ससुराल की तरफ से और नानी की तरफ से भी बहुत ज़्यादा थे, क्योंकि वो बैग्स वगैरह में रखे हुए हैं, कुछ ऊपर रखे हुए कबर्ड्स वगैरह में, तो मैंने कुछ सेलेक्टेड जो मैंने खुद डिज़ाइन किए वो आप लोगों के साथ आज शेयर करूँगी। तो आप लोगों ने वीडियो बिल्कुल स्किप नहीं करनी है, वीडियो को एंड तक वॉच करना है। चले चलते हैं। सो गाइस, ये मेरा फर्स्ट ड्रेस है और ये मैंने लिया था रेडीमेड लाइमलाइट से। खाली मैंने ये शर्ट ली थी लाइमलाइट से, ठीक है। ये बहुत सिंपल सा, नाजुक सा, क्योंकि छोटी मोटी दावतों में मुझे इतने भरे हुए कपड़े नहीं पसंद, तो मैंने ये बिल्कुल बस देखे इसमें पर्स लगे हुए और बहुत खूबसूरत सा काम हुआ हुआ है। ये लाइमलाइट का था और इसी तरीके से ये पर्स थोड़े बड़े वाले ये स्लीव पे लगे हुए, ये बेल के बाद ये काम हुआ है। और यहाँ पे देखें आप अगर इसका फ्रंट दामन, तो ये इस तरीके से काम हुआ है, इतना खूबसूरत सा, ठीक है। ये है और इसके साथ क्योंकि मैंने ये शर्ट ली थी तो इसके साथ मैंने ये लिया है इसका ट्राउज़र। ये मैंने स्टिचिंग कराई है, बारीक सिलाई हुई हुई है, इतना खूबसूरत सा ये ट्राउज़र मैंने कपड़ा लेकर स्टिच करवाया था, और ये मैंने इसमें पर्स लगवाए तो इससे और इन्हेंस हो गया ट्राउज़र। और ये इसके साथ दुपट्टा है, ये भी मैंने रेडीमेड दिया था, लेकिन इसमें ये बहुत अच्छा है कि इसको आप देख सकते हैं, ये ऑर्गेन्जा का है फूला फूला दुपट्टा, मुझे वैसे ही बहुत पसंद है। और इस सूट में ये दुपट्टा और ट्राउज़र की वजह से ये सूट उठ गया, और तो ये आप कोई भी कलर में, ये दुपट्टे को आप अगर दूसरे ड्रेस के साथ आप इसको डाई भी करवा सकते हैं। तो ये है मेरा फर्स्ट ड्रेस, ये एक मेरा ड्रेस है तारिक रोड से मैंने लिया था, ये सिर्फ शर्ट तारिक स्टिच, ठीक है। इसी साथ ये जो गले पे पूरा काम हुआ है इसी साथ से, क्योंकि कंट्रास्ट में मैंने दुपट्टा लिया था रेडीमेड गोल्डन कलर का, ठीक हो गया। ये चुन वाले दुपट्टे जो आजकल चल रहे हैं ये उस तरीके का दुपट्टा है, और ये ट्राउज़र मैंने इसके साथ स्टिच कराया था, इससे सिलाई करवाई थी, कपड़ा लेकर मैंने ये स्टिच करवा लिया था। ये शॉर्ट फ्रॉक है जी। तो ये मेरा सेकंड ड्रेस है, ये मैं आपको दिखाती हूँ, ये फ्रंट ओपन है और ये काफ़ी लॉन्ग, जस्ट लाइक मैक्सी नहीं होती उस तरीके से मैंने की थी, क्योंकि मुझे बहुत ये नाजुक सा है और सिंपल सा है लेकिन बहुत खूबसूरत लगता है पहनने के बाद। अच्छा, ये फ्रंट ओपन है, ये मैंने इसमें डोरी पाइपिंग करवाई थी, आप लोग देख सकते हैं इसके ओपन पर, और ये जो लास्ट की है इस पर भी मैंने डोरी पाइपिंग करवाई थी, ठीक हो गया। अच्छा, ये लॉन्ग स्लीव्स आपको लग रही हैं क्योंकि ये चुनट वाली स्लीव्स हैं, ये फ्रंट पे आके इसमें चुनटें आती हैं, ठीक है। और अंदर जो है क्योंकि ये सी थ्रू है, लाइनिंग का कपड़ा है, इसी के साथ पूरा लॉन्ग लाइनिंग का कपड़ा है, ठीक है। और ये आप देखें, ये बैक पे मैंने गले पर ये लगवाया था पीछे से, बहुत खूबसूरत लगता है ये है, ठीक है। और इसी के साथ वैसे तो ये बहुत लॉन्ग है, मैंने ये लेना चाहें तो आप लोग टाई सेट के साथ। और ये है दुपट्टा, इसका नेट का ही दुपट्टा है, उससे मैंने ये बारीक सी बेल लगवा दी। तो ये है मेरा सेकंड ड्रेस, ये है मेरा थर्ड ड्रेस, ये मुझे मेरे मामू मामी ने गिफ्ट करा था मेरी शादी पे, और ये बहुत खूबसूरत सा ड्रेस था, इसको मैंने खाली स्टिच कराया है और इसके दुपट्टों पर मैंने इस तरीके से पीको कराई है, जापानी पीको, और ये भी सिंपल सा है। और ये इसके साथ जो है इसका ट्राउज़र है जो कि मैंने बनवाया है प्लाजो फ्लैपर टाइप ट्राउज़र बनाया है सिंपल सा। और स्लीव से मैंने इसकी ये बेल लगवाई है जस्ट ताकि थोड़ा सा इन्हेंस हो जाए, और बाकी क्योंकि इसका पूरा फ्रंट पूरा काम हुआ हुआ था, शोल्डर में लाजमी अपने हर ड्रेस में लगाती हूँ, मैं इसमें कंफर्टेबल रहती हूँ, ये मेरे हर ड्रेस में शोल्डर होते हैं। तो ये जी मेरा थर्ड ड्रेस है जी। तो ये मेरा लास्ट ड्रेस है, ये मरून कलर का है, सिंपल सा लॉन्ग शर्ट है, ठीक है, लॉन्ग शर्ट है। और इसकी मैंने बेल ली थी, ये बहुत कांच वाली बेल बहुत इन थी, ये दो बेलें बन के जो है मिल के ये मैंने गला बनवाया, इसका ये थोड़ा सा कट है,
जिसके के अंदर शोल्डर लगे हुए हैं। शफून का ड्रेस है ये सिंपल सा, और इसी तरीके से मैंने ये बेल दो जॉइन करके लगवाई हैं, प्लस ये मैंने ऑर्गेन्जा का दुपट्टा लिया था इसका, इसके साथ भी मैंने थोड़ा सा आफर में ताकि ये और खूबसूरत लगे ये लगवाया है इसके दुपट्टे से कट करवा के, और ये दो जॉइंट बेलें हैं। और ये दुपट्टा ऑर्गेन्जा का, इसमें भी मैंने चारों तरफ इसी तरीके की दो जॉइंट करके बेल्स लगवाई हैं, ठीक हो गया। और ये है ट्राउज़र, ये भी सिंपल सा है लेकिन इसी का दुपट्टे का जो कपड़ा है ऑर्गेन्जा का वो मैंने इस ट्राउज़र पर लगाया ताकि ये और उठ जाए, सिंपल सा ट्राउज़र ना। तो ये लॉन्ग शर्ट है सिंपल सी मेरी, तो ये मेरा लास्ट ड्रेस है जी। तो ये सारे मेरे ड्रेसेस हैं, ये मेरे पास फ्रॉक थी जो मैंने अभी आपको दिखाई है, इसके लास्ट में भी मैंने बेल लगवाई है जैसे स्लीव पे लगवाई थी। ये ना ज़्यादा शॉर्ट है ना ज़्यादा लॉन्ग है, नॉर्मल फ्रॉक है। एक ये मेरा ड्रेस है हो गया, और ये लॉन्ग मैक्सी हो गई चुनट वाली स्लीव, ठीक है ये हो गई। और ये लैम लाइट का ड्रेस है मेरा, ये शॉर्ट शर्ट है, ये मैक्सी हो गई, ठीक है। और एक ये है मेरा सिंपल सा ग्रे कलर का शॉर्ट फ्रॉक, और जी ये मेरा लॉन्ग शर्ट है कहना को डिज़ाइन की थी। अल्हम्दुलिल्लाह ये सारे आज के ड्रेसेस हैं जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। आप लोग ने बताना है कि आपको कौन सा वाला सबसे अच्छा लगा, और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। मुझे अपनी दुआ में रखिएगा, मैं आपसे मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ जी।